हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज सुबह इतनी सुस्ती आ रही है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा है। 7 बज गए हैं, पतिदेव ने लाइट जला दिया है कि उठ जाओ। और पतिदेव वॉक करके, जिम जाके, सब काम करके आ गए हैं और मुझे इतनी सुस्ती आ रही है। चलो भाई, सुस्ती रखो साइड में और चलो चाय वाय बना लो। आज आप ही बना के पिला दो। हाँ, ये सभी की इच्छा यही रहती है। इच्छा सभी की यही रहती है, तो वो तो है ही। आज इतनी सुस्ती आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी नींद आ रही है बहुत ज्यादा। चलो उठना पड़ेगा आप तो, चाय जो पिलानी है। बच्चे उठ गए? शगुन तो साथ गया था मेरे, वो तो उठा ही हुआ है। सार्थक जो सार्थक तुम्हारे साथ था तो वो भी सुस्ती में, वो भी सो रहा है। शगुन और शगुन के पापा दोनों जिम जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं 5:30 बजे, है ना? 5:30 बजे गए थे। कितने बजे गए थे आज? 6:45 बजे गए थे, 7 बजे आ गए। आज जल्दी आ गए, डेढ़ घंटे के करीब लगता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट जल्दी आ गए। उठाने के लिए आ गए होंगे कि जल्दी उठाऊं जाके इसको, मैं सो रही होगी, मतलब सोते हुए देख नहीं सकते हैं। और क्या, मैं जग रहा हूँ तो तुम क्यों सो रही हो? भाई जी उठो, चलो जागो जागो जागो, सुबह हो गई, उठ रही हूँ, जल्दी से चाय पी लो, ठंडी हो गई। ठंडी कब हुई है? बनी नहीं है चाय, तो ठंडी कैसे हो जाएगी? ये तो डायलॉग है। आ गए महाराज, मैं 3 दिन से इसको बोल रही थी कि हेयर कट करा ले, बेटा हाथ नहीं लगाओ, तो अपने आप ने हाथ नहीं धोते तब तक। तो इसने हेयर कट करने की, इसको कहा कि करवा ले, बहुत दिन से कह रही थी मैं, लेकिन ये करवा ही नहीं रहा था हेयर कट, लेकिन आज करवा के लाइट चली गई। इन्वर्टर भी होगा शायद, खुल रहे थे ना इसलिए मैंने कटवा ली। तो अब स्कूल खुल रहा है तो इसलिए मजबूरी में कटाने पड़े हैं। कुछ हो गया था शायद इन्वर्टर में, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर क्या हुआ दुकान पर। हाँ, एकदम से उनका पैर ना जमीन पे आ गया ऐसे, तो गिर गए बाइक की, उनकी गिर गई। चोट लगी दुकान के सामने? चोट लगी नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, चलाते चलाते गिर गए ऐसे। हाँ, तो तभी तो आराम से चलानी चाहिए ना अपनी बाइक या स्कूटी जो भी है। और जब आप चलाएगा तो ध्यान से चलाया करना, जब ये भी सीखने की कह रहा है स्कूटी। लेकिन ये ना अभी आज तक कभी ये अकेला नहीं गया बाहर, जैसे हम कहीं जाते हैं तो ये साथ ही जाता है, अकेला कभी नहीं गया। तो बोल रहा था कि मम्मा मैं बाहर, मतलब मुझे अब अकेला भेजना सीखना है, क्योंकि मैं अकेला जाया करूं और मुझसे कुछ मंगवाओ आप, तो ऐसे कैसे जाओगे सामान इसको भेजेंगे लेने के लिए, ले तो आएगा। चल पहले नहा ले बेटा। इधर बना रही हूँ मैं कटहल, कटहल बनाने की तैयारी। दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि मैं आलू का रायता कैसे बनाती हूँ, तो मैं वो दिखाती हूँ किस तरीके से मैं आलू के रायते में मतलब छौंक लगाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ये दही को चला लिया इससे, स्टॉप कर। तो थोड़ा सा हम सरसों का तेल ले लेंगे, ये मेरे पास तो लोहे का चमचा है, ये इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लेने के बाद हम इसको गैस पे गर्म करने के लिए रख देंगे। ऐसे ऐसे रख दिया, और ये जब गर्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा हम जीरा ले लेंगे और एक चुटकी हींग ले लेंगे। ये हींग को मैंने ना पीस के रखा हुआ है, ऐसे चूरन सा बना के, तो इसकी एक चुटकी हींग ले लेंगे। और इसके अंदर जैसे ये जीरा थोड़ा लग रहा, पता चल जाएगा आपको कि ये थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद आप ये छौंक लगा देंगे और ऐसे ढके रखना है इसको थोड़ी देर तक, ताकि इसका धुआं जो है वो इसी के अंदर रहे और इसकी खुशबू तभी इसके अंदर फैलेगी रायते के अंदर। और उसके बाद फिर आलू वगैरह डालने हैं, फिर ये आलू डाल देंगे।
आपको अलग लगेगी। इसके अंदर फिर नमक और थोड़ी सी जो मिर्च डालनी है वो डाल दें, बस तैयार हो गया रायता। तो दोस्तों बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं आलू का रायता। आप लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैंने ये मेथड बताया है। खाना बन चुका है और ये मैं ले जा रही हूँ, देखिए रायता मैं ले जाऊँ। पति देव आ चुके हैं घर, तो अब सब लोग खाना खा रहे हैं, दोपहर का लंच कर रहे हैं। तो घर के पास में एक सूट की शॉप खुली है और वहाँ हम दोनों को जाना है क्योंकि ओपनिंग है वहाँ पर आज, और निकलते हैं। पहले मैं दूसरा सूट पहन लेती हूँ, ऑफ लिया ऐसा हो रहा है तो चेंज करके फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग, दिखाते हैं आपको कैसी है शॉप। तो यहाँ पर बहुत सारे फैन मिले हैं, यहाँ पर हमारी ओपनिंग है यार, इस सूट की शॉप खोली है। दोस्तों जैसे ही शॉप पर पहुंचे वहाँ इतने सारे सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोग मिलेंगे जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, सभी से इतना प्यार मिला, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों सच। तो आज हम आए हैं, हमारे मित्र ने खोली है शॉप भाभी जी के साथ, भाभी जी के लिए। मित्र तो हार्डवेयर का काम करते हैं, काफ़ी लोग पहचान लेंगे ना। ये रघुवीरपुरी और होली चौक पर है ये खुली है दुकान, आज ओपनिंग हुई है। तो काफ़ी सारा कलेक्शन है यहाँ पे आए हुए हम, और काफ़ी लोग जानकारी के हमें मिल गए हैं। पीछे भाभी जी बैठी है मथुरा से, वो वीडियो देखते हैं हमारी। ये भाई साहब है, ये भी एक टैग भाई है। तो कलेक्शन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप आके एक बार विजिट जरूर करिए। मसूदा चौराहा और होली चौक के बीच में है, अभी आज ही ओपनिंग हुई है मंडे को, तो देखिए आप सब आके। इंजीनियर चार हो गए, एक दो तीन और एक चार, इसका ये कलर है, एक 685 का, ठीक है। ब्लैक का तो कुछ पूछ नहीं है, और एक सभी को बता है 85 का लास्ट वाला, 1900 का, ये भी है, इसका दुपट्टा है, ये इनके लिए बेटा 800 का, 800 का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हो गई है शॉपिंग, बहुत सारे ले लिए इन्होंने सूट, क्योंकि पता ही है आपको जब मैं जाता हूँ तो हो जाता है मेरा काम। ये सभी लोग वीडियो देखते हैं हमारी, हमें अभी यही पता चला है, और इनको पता ही नहीं था कि हम, हाँ ये इनको तो पता ही नहीं था कि हम वो ही हैं जो जिसने ये देखते हैं वीडियो में देखते हैं, इनको पता ही नहीं था। तो देखिए एक बार आके कलेक्शन करिए विजिट, आज ही ओपनिंग हुई है। परिधान कलेक्शन मैंने एड्रेस बताई दिया आपको, होली चौक और मसूदाबाद के बीच में, पहचान जाएंगे आप परिधान के नाम से। अच्छा कलेक्शन है, ले लिया नीतू जी ने भी, आइए एक बार, आइए एक बार। और आंटी जी ये रही हमारी आंटी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, आप सब लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं, थैंक यू सो मच।